हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज एक ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अब देखिएगा क्या होता है। हम जो है मेहंदी या हीना लगा लेते हैं या इंडिको लगा लेते हैं, उससे हमारे सफ़ेद बाल काले तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो रिग्रो हेयर होता है यानी कि टचअप की ज़रूरत हमें पड़ती है। फ्रंट में आपने देखा होगा कि बैक में पहुँच जाती है। कोई भी लगाई हुई चीज़, अगर आपने कोई कलर किया है या कुछ भी किया है या आपने नेचुरल रेमेडी ट्राई की है, तो उसके बाद जो कलर आता है वो बैक में नीचे चला जाता है धीरे धीरे, जैसे रिग्रो होते हैं, और आगे की तरफ फ्रंट में हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही टचअप वाली रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। बहुत ही ज़्यादा अलग डिफरेंट आज का वीडियो है, और जिन लोगों के भी टचअप की नीड रहती है कि हम टचअप कैसे करें अपने बालों में, तो वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो फुल बालों में भी लगा सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको काले रंग का जो है ये सीरम टाइप का दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस चीज़ से मैंने रेडी किया है। सबसे पहले आपको जानना है कि आपको लेनी है इनकी कढ़ाई की, तो आपको जरूर जरूर से पड़ेगी, वो आपको जरूर से चाहिए। अब देखिएगा ये जो आपको काला सीरम दिखाई दे रहा है, ये आपके बालों में बहुत ज्यादा जो है एकदम इतना अच्छा रिजल्ट देगा। इसे लगाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो आपके सफेद बालों को जड़ से काला बनाते हैं किसी भी उम्र में। एक तो आपको कलर देते हैं बालों के अंदर, और बालों का टूटना झड़ना भी बंद कर देते हैं, और आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट इसके अंदर है आंवला, दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है कलौंजी, तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो है मेथी, और चौथी है हरड़। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चारों चीज़ को आयरन की कढ़ाई में आप जो है ड्राई रोस्ट कर लीजिए, और उसका जो है आपको ड्राई रोस्ट करने के बाद में एक पाउडर रेडी कर लेना है। पाउडर रेडी आपको करके रख लेना है, जब ठंडा हो जाता है तभी पाउडर रेडी कीजिए। आप इसे 6 मंथ भी जो है सेफ कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक आयरन की कढ़ाई लेनी है 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन लगाने से 2 दिन पहले आपको आयरन की कढ़ाई लेनी है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि 1 से 2 चम्मच के करीब आपको आयरन, वो जो हमने पाउडर रेडी किया था वो आयरन की कढ़ाई में डालकर छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो है कम से कम आधा ग्लास पानी लेना है, और आपको इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी क्वांटिटी में इस तरीके से रह जाए। अब देखिएगा 2 दिन के बाद आयरन की कढ़ाई में 2 दिन तक आपको ढककर छोड़ देना है। उस सीरम का आपको इस्तेमाल करना है। यह सीरम इस तरीके का बनकर रेडी हो जाएगा, जैसे ये आपको दिख रहा है इसी तरीके का। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए काला कत्था। यहाँ पे काला कत्था जो है आप ब्रिक भी ले सकते हैं, चाहे तो ब्राउन कत्थे को रोस्ट करके ब्रिक बना लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है काला कत्था ले लीजिए, जितनी आपको नीड हो उतना आप काला कत्था ले लीजिए। और कत्थे को आपको जो है ये आप जो पानी देख रहे हैं इसी से आपको मिक्स कर देना है, ये देखिएगा फ्रेंड्स। और आपको अगर थोड़ा लगता है कि इसमें पानी कम है तो आप इसके अंदर कॉफ़ी का पानी या सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से जो है इसे मिक्स कर देना है पानी को, इस तरीके से कि आपस में जो है मिक्स हो जाए। अब आपको इसे आधा घंटा आयरन की कढ़ाई में ही काले कत्थे सहित इस तरीके से छोड़ना है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच इंडिको या हीना ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये आधे घंटे में ड्राई हो जाएगा, तो थोड़ा टचअप के लायक हो जाएगा कि आप अपने फ्रंट के बालों में इसे टचअप कर सकें। इस तरीके से आपको जो है इसे लगा कर छोड़ देना है। उसके बाद में आपको बालों को कवर आउट करना है, पोलोथीन से कवर कीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपके ऐसे ही ड्राई ना हो। अगर आप पंखे के नीचे ड्राई कर लेते तो उसका जो है इतना असर नहीं होता बालों के अंदर, क्योंकि कलर नहीं आएगा आपके बालों के अंदर। और काला खत्ता जो होता है 100% नेचुरल है, जो आपके बालों को कवर आउट करता है, पक्के बालों में कलर देता है। इस तरीके का ये पेस्ट जो है आपको आधे घंटे के बाद अपने बालों में लगा कर छोड़ देना है। आधे घंटे बाद हेयर को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। नेक्स्ट डे ही आपको जो है शैम्पू यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आई होप आपको वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।